हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर वन के सेक्शन टू का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल बहुत सिंपल है ये। इसमें बताया गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, राइट, और इस पर सनलाइट गिर रही है इस तरह से, पूरे लेंस पे सनलाइट गिर रही है और सनलाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब सनलाइट इस पर गिरेगी तो उसके पूरे अपर्चर पे सनलाइट गिरेगी, तो यहां से क्या होगा भाई, इसमें बोला गया है कि अपर्चर इसका स्मॉल है, तो ये क्या होगा, सनलाइट यहां से निकलेगी और आगे जाके इस तरह से कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ओके। अब आपको पता होगा कि भाई ये फोकस पॉइंट है, तो अगर ये फोकस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सवाल में दे रखा है कि ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो सवाल में पूछा क्या है। सवाल में पूछा गया है कि हमें किसी भी तरह के एनर्जी लॉस को इग्नोर करना है और ठीक है, और लेंस के अपर्चर को छोटा मानना है, और बोला है कि व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। तो देखो 20 सेंटीमीटर तो ये हो गए और हमें पूछा गया है कि 22 सेंटीमीटर पे एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर हमें और आगे बढ़ना है, 2 सेंटीमीटर हम और आगे बढ़ जाते हैं और हम देख रहे हैं कि जो भी एनर्जी लेंस पे गिर रही थी वो सारी की सारी एनर्जी कंसीडरिंग नो लॉसेस इस छोटे से एरिया में कन्फाइन हो गई है, राइट। जो भी एनर्जी लेंस पे गिर रही थी, तो एक बार देखते हैं कि एनर्जी कितनी गिर रही थी लेंस के एरिया पे। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेंस के अपर्चर का रेडियस इस डॉटेड लाइन से हेल्प मिलेगा हमें। देखो हम मान लेते हैं लेंस के अपर्चर का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो इस समय इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाएगा कि लेंस पे कितनी एनर्जी गिर रही थी। वो एनर्जी हम निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स इंटेंसिटी दैट इज 1.3, ठीक, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय लेंस का एरिया। लेंस का एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, और यही एनर्जी बिना किसी लॉस के यहां पे पहुंच रही है, इतने एरिया में पहुंच रही है। तो अगर हमें यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है तो वो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इस जगह पे जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय इस ये छोटे से अपर्चर का एरिया, जो छोटे सर्कल का एरिया, तो वो मान लेते हैं हम ए डैश होगा, ए डैश तो डिवाइडेड बाय ए डैश। अब इनकी वैल्यू को देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का 1/10 है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये भी इस डिस्टेंस का, इस परपेंडिकुलर का 1/10 होगा यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस। तो अगर ये रेडियस आर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाय 10, और अगर इस अपर्चर का, इस सर्कल का रेडियस आर बाय 10 है तो ये ए डैश का जो एरिया है वो पाई आर बाय 10 का होल स्क्वायर होगा। तो हम यहां पे पुट कर देते हैं, एनर्जी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, वो थी 1.3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया पाई और आर बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 130 वॉट, किलो वॉट, इनफैक्ट किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो आंसर इज इसका आंसर है 130। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है, पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि ये एक बॉक्स है जिसमें टेम्परेचर T1 है और T1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 300 केल्विन दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही ये एक बॉक्स है जहाँ पे टेम्परेचर को दिया हुआ है 100 केल्विन, और इन दोनों को हमने दो रॉड से कनेक्ट कर रखा है। एक रॉड है जिसकी कंडक्टिविटी K1 है, दूसरी रॉड है जिसकी कंडक्टिविटी K2 है। ये दोनों स्टेडी स्टेट में है और ये जो दोनों रॉड है इनको एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया गया है ताकि कहीं पे भी हीट का लॉस ना हो, ठीक है। और हमें ये भी बता दिया गया है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर 200 केल्विन है। तो हमसे पूछा गया है कि K1 और K2 का रेशियो क्या होगा, K1/K2 की वैल्यू क्या होगी, ओके। एक बार एक इंफॉर्मेशन हमें और दी गई है कि भाई इसका रेडियस अगर आर है तो इस रॉड का रेडियस 2R है,
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि जितनी भी हीट इस हॉट एंड से आ रही होगी वो इस रॉड के थ्रू चल के आएगी और वही हीट इस रॉड में जाएगी. देर विल बी नो लॉसेज एनी वेयर, राइट. तो अगर हम क्या करें, हम इस हीट को इस हीट के बराबर कर दें तो बड़े आसानी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा. देखते हैं भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता होगा हीट का फॉर्मूला. तो हीट जो करेंट है उसका फॉर्मूला होता है के. तो यहाँ पर भाई के वन है, तो के वन इसका एरिया है, तो उसके एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. टेम्परेचर ड्रॉप, तो टेम्परेचर और 300 और 200 में कितना हुआ, 100 का ड्रॉप हो गया. एंड डिवाइडेड बाय द लेंथ, तो लेंथ इज एल. तो ये हीट करंट है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, और क्योंकि यही हीट यहाँ से यहाँ भी जा रही होगी तो इसको मैं आगे इक्वेट कर दूंगा. आगे हो जाएगा यहाँ पे कंडक्टिविटी के टू, एरिया विल बी 4πr², क्योंकि रेडियस डबल हो गया है. अब यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे भी ड्रॉप टेम्परेचर का 100 ही है, क्योंकि ये 200 है, ये 100 है, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, 100. एंड डिवाइडेड बाय द लेंथ एल. अब आप देखो ध्यान से, बहुत इजी है ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर 100 कैंसिल हो गया, लेंथ कैंसिल हो गई, एंड द के वन अपॉन के टू की वैल्यू आ रही है 4. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ. इस पैराग्राफ पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड है. ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हो पैराग्राफ, तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन. हालांकि आपको एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए. मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमेंशंस ऑफ ई एंड डायमेंशंस ऑफ बी, राइट. पैराग्राफ में आप देखा होगा कि पैराग्राफ में ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का एक बहुत बेसिक रिजल्ट होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही होती है तो ई और बी ऑसिलेट करते हैं. अब अगर ई और बी ऑसिलेट करते हैं तो ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट और बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है बी नॉट, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट सी. ठीक है, अब मैं अगर इनको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लूं तो ई की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ई की डायमेंशन ई हो जाएगी, बी नॉट की मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बी हो जाएगी, और सी तो स्पीड है तो स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाएगी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ईजी है और आंसर क्या होगा, सी. Let us move to next question. हाँ, ये the relation between dimensions of epsilon naught and dimensions of mu naught, ये भी बहुत standard result ही है. अगर आपने वो chapter पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो speed of light है that is equal to 1 by square root of epsilon naught mu naught. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि स्क्वायर करने के बाद म्यू नॉट को इधर ले आए तो इट विल बी म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught c². ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं डायमेंशन में कन्वर्ट करूंगा तो म्यू नॉट की डायमेंशन हो जाएगी डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इक्वल्स टू इट इज 1 upon डायमेंशन ऑफ एप्सिलन नॉट एंड डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर. तो इसमें हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की पावर -1 और सी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है तो इसकी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड दैट इज लेंथ एल और टी माइनस वन होगी. तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी एल -2 एंड टी स्क्वायर. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अगला जो पैराग्राफ है वो एक एरर पे बेस्ड है. ठीक है, तो आप एरर की डिटेल्स को पढ़ सकते हैं सवाल में. वैसे हालांकि ये बेसिक थ्योरी है, आप लोगों को पता होगी, तो एक काम करते हैं, ये आप पूरा पढ़ लीजिए आराम से और हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर है जो ए पे डिपेंड कर रही है और डिपेंडेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, और इसके आगे कहा है कि अगर ए में एरर डेल्टा ए है, जो कि वाकई में बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू ए, तो ए में अगर एरर डेल्टा ए है तो एरर इन आर कितना होगा. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, आप यहां से आर का रिलेशन उठा लीजिए, आर विल बी इक्वल टू 1 - a / 1 + a, राइट. अब हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पूरे रिलेशन में लॉग ले लें. तो अगर आप लॉग लोगे तो लेफ्ट साइड मिलेगा आपको ln r इक्वल्स टू ln 1 - a और -ln 1 + a. अब इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट में dr / r इक्वल्स टू
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस डी ए अपॉन वन माइनस ए और माइनस डी ए अपॉन वन प्लस ए। अब आपको पता होगा कि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एरर हमेशा रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होती है, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहाँ पे जो माइनस साइंस है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डी आर बाई आर इक्वल्स टू माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए, और इग्नोर करने के बाद इसमें एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे नीचे आएगा वन माइनस ए वन प्लस ए, जो हो जाएगा वन प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर अगर डी ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा डी ए और मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए प्लस वन माइनस ए, दैट विल बी टू। तो ये रिजल्ट आ गया टू डी ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए हमें डी आर की वैल्यू निकालनी है, एरर इन आर निकालनी है, वो डी आर है, तो हमें इस आर को राइट साइड में सेंड करना पड़ेगा। तो ये डी आर हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू टू डी ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए स्क्वायर और आर, और आर की वैल्यू को हम यहां से यहां पे पुट कर देंगे, तो आर इज वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए। अब देखिए इस यहां पे भी एक वन माइनस ए वन प्लस ए है और यहां पे भी वन माइनस ए है, तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा टू डी ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी एक्सपेरिमेंट में इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 3000 थे और यह पाया गया कि एक सेकेंड के बाद लगभग 1000 न्यूक्लियाई डिके हो गए, लेकिन 1000 में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, द अनसर्टेनिटी इज 40 न्यूक्लियाई की अनसर्टेनिटी है, और ये हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन बताए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इनकी। और उसके बाद पूछा गया है कि डेल्टा एरर इन लैम्डा क्या होगा, जहां पे लैम्डा डीके कांस्टेंट है, तो डीके कांस्टेंट की एरर पूछी गई है। ठीक है, अब आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा कि कुछ देर के बाद जितने न्यूक्लियाई बचते हैं उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बराबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हम एक बार फिर से इसको पहले लॉग ले लें फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर हम पहले लॉग ले लें तो हमें मिलेगा एल एन एन इक्वल्स टू एल एन एन नॉट और माइनस लैम्डा टी। ठीक है, फिर अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट में मिलेगा डी एन बाई एन इक्वल्स टू ये लॉग एन नॉट, एन नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस इसका डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे एरर हमें लैम्डा में चाहिए, तो डी लैम्डा इंटू टी। और देखो हमें यही डी लैम्डा चाहिए, माइनस साइन को हम फिर इग्नोर कर देंगे, तो यहां से हमें डी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी डी एन डिवाइडेड बाय एन टी। अब आप देखिए जो हमें एरर पूछी गई है वो एक सेकेंड के बाद पूछी गई है, तो यहां पे टाइम की वैल्यू को हमें वन रखना है, और क्योंकि एक सेकेंड में 1000 न्यूक्लियाई लगभग डिके कर गए हैं इसलिए बचे हुए न्यूक्लियाई 2000 बचे होंगे, ये एन बचे हुए न्यूक्लियाई है, और इनमें जो एरर है वो 40 दी हुई है। ठीक है, तो हम यहां पे वैल्यूज अगर डाल दें, डी एन की जगह 40 डिवाइडेड बाय एन, एन की जगह 2000 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज वन सेकेंड, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.02 विच इज सी। थैंक यू।